ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं, बीवी के पास आप, बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार व्यार दूर की बात है। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। सो हेलो गाइस, सो गाइस मिलके आपको पता होगा रितु राठी और बाय द फ्लाइंग बीस्ट के बारे में, गुंजन की गौरव तनिज के बारे में, जो डिवोर्स वाली बात चल रही है वो सच है या झूठ, और साथ ही एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रेमानंद जी महाराज का, जहाँ पे मतलब की एक गर्ल्स वहाँ पे जाती है और बताया जा रहा है कि वो ध्रुव राठी की वाइफ मतलब की रितु राठी हैं। तो अब ये सच है या फिर झूठ, वो वीडियो भी पूरा मतलब की सामने आया है, और साथ ही भर भर के कॉमेंट वगैरह आ रहे हैं कि ये तो रितु राठी है। उस वीडियो को देखने के बाद प्रेमानंद जी से वो मिली थी लड़की, वो रितु राठी है, सभी लोगों का ये कहना है। और वहाँ पे बल्कि वो लड़की बोलती है फ्लाइंग बिस्ट के बारे में, या फिर जो भी लड़की है वो मतलब अपने मतलब पति के बारे में बोलती हैं कि वो ऐसा है, मतलब उन्होंने चीट किया है। तो उस पर मतलब प्रेमानंद जी क्या बोलते हैं, चलिए मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ, और यहाँ पे वो ये लड़की है या फिर कोई और, आप भी देखिए वो वीडियो जी। इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लालजू के आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ, श्रीजी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्रीजी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्रीजी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए, या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण छूट जाए? नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे, गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियाँ, समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए, आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, तो अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही, एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है, बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में? हाँ, शायद कर सकते, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो, परम पति जब साथ है तो नाशवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद, प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो देखने के बाद, मतलब बहुत सारे जितने भी फैंस वगैरह वो बता रहे हैं रितु राठी और फ्लाइंग बीस्ट की बात हो रही है, और वो जो लड़की है वो है मतलब की रितु राठी। तो यहाँ पे ये मतलब की कन्फर्म तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मतलब लोग वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि रितु राठी ही है। बाकी फ्लाइंग बीस्ट के बारे में इन्होंने मतलब फ्लाइंग बीस्ट ने खुद इस पर रिएक्ट किया एंड वीडियो अपलोड किया, और उन्होंने क्या कहा इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले जितने भी लोग वगैरह कह रहे हैं, और उन्होंने एक पोस्ट भी किया था, ट्वीट भी किया था फ्लाइंग बीस्ट ने, जो आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर, ट्विटर पर जाकर देख सकते हो, बाकी उन्होंने वीडियो में क्या किया इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, जब बेबी होता है ना, जब आप जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट टू टू थ्री मंथ्स, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब रितु अभी सोई है एक घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट, तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखें। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं, बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार व्यार दूर की बात है। बाहर कोई दोस्त मिल के अच्छी बात हो रही है, कॉफी साथ पी रहे, लंच साथ कर रहे, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति
सकती भाई, अपना दूसरा टाइम है, अपने को चलिए। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वगैरह कहना है कि रितु राठी की जगह फ्लाइंग बिस्टू का भी कोई और पसंद आ गई, इसलिए ये मामला हो रहा है। और इतनी बड़ी मतलब मामले होने के बाद भाई साहब मतलब परेशान होकर रितु राठी गई थी प्रेमानंद जी महाराज के पास, और उसके बाद मतलब ये सब मामला हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इनका डिवोर्स होने वाला है या फिर हो चुका है। बाकी आपको क्या लगता है, वो लड़की कौन थी? और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू अपडेट के लिए।